राष्ट्रपति का चुनाव खत्म हो गया, अब नजरें हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव पर। एनडीए के जगदीप धनखड़ के सामने खड़ी हैं विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा। मार्गरेट का परिवार राजनीति में नया नहीं है, उनके सास ससुर स्वतंत्रता सेनानी थे और संसद की पहली जोड़ी मानी जाती है। मार्गरेट की सास वायलेट अल्वा देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति बन सकती थी। दरअसल वायलेट नेहरू की करीबी थी और कार्यकाल में मंत्री भी बनी, लेकिन नेहरू की मृत्यु के बाद उनकी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा से नहीं बनी। 1969 में उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान वायलेट कांग्रेस की उम्मीदवार बनना चाहती थी। इंदिरा ने उनके नाम का विरोध किया, जिसके बाद अल्वा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके 5 दिन बाद ही 20 नवंबर 1969 में उनका निधन हो गया।